बाउंसी प्रखंड के मंदायब विद्यापीठ के प्रांगण में वनवासी कल्याण आश्रम के उत्तर मध्य क्षेत्र के छात्रावास प्रमुख का प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण वर्ग का समापन 7 जून 2024 को होगा। प्रशिक्षण के छात्रावास प्रमुख को बताया गया कि छात्रावास में रह रहे छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण वर्ग में बिहार एवं झारखंड के महिला एवं पुरुष प्रमुखों ने भाग लिया। वनवासी कल्याण आश्रम की शाखा पूरे भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। मौके पर विशंकर मिश्र प्राचार्य गुरुधाम, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक राम नवमी जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजाराम अग्रवाल, क्षेत्र छात्रावास प्रमुख यादव रूप यादव, झारखंड छात्रावास प्रमुख प्रदीप जी, सोनू चौधरी एवं औद्योगिक मिशन के बालवीर जी एवं मुरली जी उपस्थित। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आपकी का प्रतिनिधि दायित्व जो है क्या है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय छात्रावास प्रमुख। नाम क्या हुआ आपका? एक के श्रीधर। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं केरल से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो वनवासी कल्याण आश्रम के जितने भी छात्रावास चलते हैं जी, ये और क्या ये इंटरनेशनल तक हैं या नेशनल तक ही सीमित है? नेशनल तक सीमित है, लेकिन अपने सहयोग तो इंटरनेशनल लेवल स्तर से भी आते हैं इसका जो। तो ये वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास का मेन मकसद क्या है? इसमें जनजाति वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। उसी काम के लिए जनजाति समाज के जो काम के लिए जो कार्यकर्ता निर्माण कार्यकर्ता चाहिए, उसके लिए कार्यकर्ता निर्माण के केंद्र के हिसाब से और छात्रावास चलाते हैं। उसके साथ साथ उनको अच्छे शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छा शिक्षित तो अच्छा नागरिक बने, उस कल्याण आश्रम के अपने समाज के लिए काम करने के लिए अच्छे कार्यकर्ता निर्माण भी इसमें उद्देश्य है। तो इस आश्रम में जो किस प्रकार के बच्चे रह सकते हैं? इसमें ऐसे छोटे बच्चे से लेकर हायर एडुकेशन तक बच्चे पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। वो कितने पढ़ाई करना चाहते हैं उतने पढ़ाई में हम सहयोग करते हैं उसका। तो इसमें वनवासी के बच्चे रह सकते हैं कि कोई और तो प्रकार नहीं, नहीं के ये बच्चे? तो वनवासी कल्याण आश्रम वनवासी समाज की ही संस्था है, तो उसमें वनवासी समाज के बच्चे ही इसमें रहते हैं। तो पूरे भारत में जो छात्रावासों की संख्या कितनी होगी? 250 छात्रावास देश भर में और 10,000 के आसपास छात्र छात्रियाँ रहते हैं।